अब तो लगता है नंबर ही ब्लॉक कर दिया उसने मेरा। कॉफी पियो यार, सुने कॉफी पीने से ब्लॉक दिमाग पे अनलॉक हो जाते। इस कॉफी की तरह कड़वी हो चुकी है मेरी जिंदगी। इस कड़वेपन का जो मजा है फील करो। बांजे बड़ा छक्का मारा है हमारी मानो ने। छक्का नहीं मारा, मेरे छक्के उड़ा दिए आपकी माँ जी ने। क्यों, मरीख में घर बसाने की फरमाइश कर दी उसने? आप खुद ही सोचें कुकू मामू, लोग क्या कहेंगे मुझे? क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना कितनी अच्छी तरबियत की है माँ बाप ने, अपने बीमार सास ससुर के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो। बात तो आप ठीक कर रहे हैं, तो आप दे देना ये कुर्बानी। हाँ क्यों नहीं, करने का मान जाए। किस बारे में? लेता एक बात बताओ, अगर हम दोनों शिफ्ट हो जाए ताया ताई के घर तो हम कैसे हो सकते हैं? सुन लिया जवाब, ये फर्क है दोनों बहनों में। जरा सोच, जो इतनी अच्छी बेटी हो वो कितनी बेहतरीन बीवी साबित हो सकती। मामू बच्चे बहुत अटैच है अपने दादा दादी से, वरना मुझे तो कोई इशू नहीं है। कुछ भी कहो, मेला ते लुट लिया साड़ी मानो ने। खाक में दहन उठा है, हर कोई आदमखोर नजरों से देख रहा है मुझे। तुम सबको छोड़ो लेकिन तुम्हारी बात में दम तो है। क्या फायदा ऐसे दम का जिसे सुनकर हर किसी का दम निकल रहा है। ये बताओ असली क्या कहता है, उसको तो अपने ताया का ख्याल होना चाहिए। बट्टू आपा उसके ख्याल को तो छोड़िए, लेकिन आप प्लीज ही शराब शराब करके चाय पीना तो बंद करें। सॉरी मैं जरा इमोशनल वे में पी रही थी। अच्छा तुम बताओ, मैं असफी से बात करूं शायद उसे एहसास हो जाए। बट्टू आपा क्या फायदा ऐसे एहसास का जो कहकर दिलाया जाए। आप लोग सही कह रहे हैं, बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूं मैं। थैंक यू भाई। अरे ये तो पकड़े। इसे भी अकल आ गई है, ये ले मामू आप पिए। थैंक्स। आ जाओ, तुम्हारा ही जिक्र खैर हो रहा था। बात करनी है मुझे नूर से। नूर? इस नाम की तो यहां कोई लड़की नहीं रहती। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। वजह? अब जो बात होगी बड़ों के बीच में होगी और सबके सामने हो। तो मैं हूँ ना, मेरे सामने कर लो, मैं किसी को नहीं बताऊँ। इससे पहले वो पुत्तो सुन ले। सॉरी, अब जो भी बात होगी मम्मी और बाबा के सामने ही। अरे क्या चल रहा है ये? देने तो मैं खुशखबरी आया था, लेकिन मेरा एक पैगाम पहुंचाएगा मैडम को। अल्टीमेटम दिया ना उसने, तो एक अल्टीमेटम मेरा भी है, उसे भाभी के साथ ताल्लुकात ठीक करने होंगे। देखो असली, लेकिन वो तो यही सोचती है ना कि तुम दोनों के दरमियान जो भी रुकावटें हैं वो निदा की खड़ी की हुई हैं। देखिए मैं यहाँ उनकी सफाई पेश करने नहीं आया, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि पिछले 5 सालों में उनके साथ कितनी नाइंसाफी हुई है, कितना कुछ सहा है उन्होंने, और ये ज्यादा गैरों ने नहीं अपनों ने किया। बात तो तुम्हारी ठीक है, चलो मैं करूंगी मानो से बात। थैंक यू। वैसे माइंड ना कीजिएगा, लेकिन एक बात पूछूं आपसे, आप भी कुकू मामू के साथ ये सब ड्रामे करती थी? इससे भी डबल, मैंने तो 5 साल उन्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई थी। अब ये शक्ल ना दिखाने वाली पट्टी प्लीज उसे मत पढ़ाइएगा। नहीं पढ़ाती। ओके, खुदा हाफिज़।